शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोगों को राशन की जरूरत है, लेकिन सरकार द्वारा दी जा रही है शराब। वाड़ी क्षेत्र में शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। जिलाधिकारी आदेश पर मॉल, मार्केट और बाजार की दुकानें नहीं खुलेगी, तो वाड़ी के शराब दुकानें कैसे खुली, यह सवाल नागरिकों ने उठाया है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की। जिले में धारा 144 भी लागू है। 50 दिन लॉकडाउन में गरीबों को अनाज मिलना मुश्किल हुआ। आज भी गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है। सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए। पहले दिन ही शराब की दुकानों पर लंबी कतारें लगी थी। जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को वाड़ी के शराब ठेके खुल गए हैं। सुबह से ही शराब लेने दुकान पर भारी भीड़ उमड़ी थी। शराब लेने के होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया गया, लेकिन सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मिलते ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सरकार ने राजस्व प्राप्त करने के लिए ठेके शुरू कर दिए, लेकिन अब शराब के साथ कोरोना संक्रमण घर आने का डर परिवार के लोगों को लग रहा है। खास बात तो यह है कि शराब के लाइन में लोगों के पास शराब पीने की अनुमति पत्र नहीं है। ऐसे भी लोग दुकान पर कतार में लगे हैं। हालांकि दुकानदार इन्हें शराब नहीं दे रहे, लेकिन जिनके पास लाइसेंस है, ऐसे लोगों के पास से बिना लाइसेंस वाले लोग शराब खरीद कर पी रहे हैं। शराब की दुकानों पर लोगों के टेम्परेचर की जांच व सैनिटाइजर कर ही शराब दी जा रही है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि मॉल, मार्केट, बाजार ठेके शुरू नहीं होंगे। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि मॉल, मार्केट, बाजार के ठेके शुरू नहीं होंगे, लेकिन वाड़ी में जितने भी ठेके हैं वह मार्केट में ही है। यह कैसे शुरू कर दिए गए, यह सवाल नागरिक कर रहे हैं। वाड़ी में कोरोना संक्रमण मुक्त है, लेकिन अब वाड़ी में शराब लेने बाहर से लोग आने से संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। सोचने वाली बात तो यह है कि कल तक गरीब परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्य के लिए दो वक्त की रोटी के लिए अनाज बांटने वाले लाइन में खड़ा रहता था। आज वही मुखिया पैसे से शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़ा रहकर शराब खरीद रहा है। शराब खरीदी करने पर नागपुर शहर से लोग आ रहे हैं। वाड़ी परिसर में अभी तक कोरोना छाया भी नहीं पड़ी है। अब कुछ भी हो सकता है। प्रशासन राजस्व प्राप्त के लिए शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है, मगर बीते दो महीने से शराब के भूखे जब अपने रंग में आ जाएंगे तो घर कलह संभव है। ऐसे में शराब ठेके शुरू होने से भविष्य में कोरोना और घरेलू कलह, इसको रोकना चुनौती होगी। दारू मिलना बहुत अच्छी बात है। दारू मिलना चालू हो गया, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत दिन से दारू के लिए तरस रहे थे। आज दारू मिल गई, हम लोग का मनोकामना पूर्ण हो गया। इसकी वजह से गवर्नमेंट का अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएंगे, जिसकी वजह से लोग भी खुश रहेंगे और अर्थव्यवस्था भी अच्छा रहेगा। तो बहुत दिन से तरस रहे थे लोग। हाँ, अच्छा हो गया, चालू हो गया। मैं 1.5 महीने से नहीं पिया। इन बीच न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।